यूपीएससी एग्जाम सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक है और हर साल लाखों एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, पर सफलता कुछ ही एस्पिरेंट्स को मिल पाती है। हालांकि असफल होने के बावजूद कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उम्मीद नहीं छोड़ते और सिविल सर्विसेज का सपना पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है यूपीएससी 2022 की टॉपर इशिता किशोर की, जिन्होंने लगातार दो असफलताओं के बावजूद भी हार नहीं मानी और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर न केवल एग्जाम क्लियर किया बल्कि रैंक 1 भी हासिल की। पर इनका टॉपर बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था। इशिता ने सालों तक निरंतर मेहनत करते हुए आखिर वो मुकाम हासिल ही कर लिया जिसका सपना आज देश का बच्चा बच्चा देखता है। इशिता ने साबित कर दिया, द हार्डर द बैटल द स्वीटर द विक्ट्री। कड़ी तपस्या और मेहनत से इशिता ने आज यूपीएससी टॉपर्स की उस लिस्ट में अपना नाम शुमार कर लिया है जिसमें टीना दाबी, अनु कुमारी, कनिष्क कटारिया और श्रुति शर्मा जैसे टॉपर्स आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इशिता किशोर की लाइफ से जुड़ी उस संघर्ष यात्रा को जानेंगे जिस पर चलकर वो आज यहाँ तक पहुंची है। इशिता का जन्म हैदराबाद में हुआ और उनके पेरेंट्स पटना से थे। उन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से की। बचपन से ही इशिता एक मेहनती और मेधावी छात्रा थी। उनको ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ने का काफी शौक था। इसके साथ साथ वे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी खुलकर भाग लिया करती थी। इशिता बताती हैं कि वो स्कूल के दिनों में एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी हुआ करती थी जो डिबेट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। इशिता फुटबॉल की नेशनल लेवल की प्लेयर थी। स्कूलिंग के बाद इशिता ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया, जहां रहकर ही उनको पहली बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम के बारे में पता चला। जब उन्होंने यूपीएससी के बारे में और गहराई से जाना तो उनका इंटरेस्ट इसमें और भी ज्यादा बढ़ने लगा। इशिता बचपन से ही ऐसा कोई काम करना चाहती थी जिसमें कि वो अपनी पर्सनल फ्रीडम के साथ साथ देश की सेवा भी कर सके। ये सर्विस उनकी पर्सनैलिटी को भी सूट किया करती थी। कॉलेज के दिनों में ही इशिता इंडो चाइना यूथ डेलीगेशन का हिस्सा बनने चाइना भी गई, जहां उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। और कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज भी कुछ वैसा ही मौका फिर से दे रही थी जिसमें रहकर वो देश की सेवा भी कर सकती थी। फिर क्या था, इशिता लग गई तैयारी में। पर आईएएस बनना कोई आसान बात नहीं थी। इसकी प्रिपरेशन खुद में ही एक जर्नी है जिसमें कई हर्डल्स आते हैं। ऐसे ही हर्डल्स इशिता की भी जर्नी में आए। कॉलेज से निकलते ही जब उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया तब वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन इशिता ने हार नहीं मानी। वो फिर से उठी, फिर से पहले से ज्यादा मेहनत की, बट इस बार भी रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं रहा। लगातार दो असफलताओं के बाद सेल्फ डाउट डीमोटिवेशन आम सी बात हो गई थी। कभी लगता था कि आईएएस बनना तो बाएं हाथ का खेल है और कभी लगता था कि प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाएगा। कभी अपने ऑप्शनल को लेकर इशिता परेशान हो जाती थी तो कभी अपने सोर्सेस को लेकर। इन सब के अलावा उन्हें प्रिपरेशन के दौरान काफी सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े थे। पार्टीज, शादी, नाइट आउट जैसी कई सारी चीजें जो कि नॉर्मल स्टूडेंट के लाइफ में होती है, इन सब एक्टिविटीज से दूर रहना पड़ा। यूपीएससी की प्रिपरेशन इशिता के लिए एक सांप सीढ़ी का खेल बन चुकी थी जिसमें कई बार उन्होंने एग्जाम को क्विट करने की भी सोच ली थी, लेकिन किसी तरीके से खुद को मोटिवेट रखकर इशिता इस रेस में दौड़ती रही, मेहनत करती रही। देखा जाए तो एक यही फर्क होता है एक नॉर्मल एस्पिरेंट्स में और टॉपर्स में। इशिता के अंदर अपनी इस असफलता में सफलता देखने का भी गुण था। उनके अंदर हार न मानने का शानदार जज्बा था। दो फेल अटेम्प्ट्स के बाद जो सोसाइटी प्रेशर, मेंटल प्रेशर जो इशिता के ऊपर पड़ा, उस प्रेशर के चलते बजाय क्विट करने के इशिता ने प्रेशर को ही अपना हथियार बना लिया। वैसे इशिता के इस जज्बे को देखकर मुझे कुछ लाइंस याद आ जाती हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला
वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं लाइंस को अपने दिमाग में बसाकर इशिता लग गई अपने थर्ड अटेम्प्ट की तैयारी में, और जी तोड़ मेहनत की पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। और अपने इस हार्ड वर्क के चलते इशिता ने यूपीएससी 2022 में सफलता के झंडे गाड़ दिए। 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में इशिता को रैंक 1 प्राप्त हुई। वो कहते हैं ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइस। कुछ ऐसा ही इशिता के साथ हुआ। जब से रिजल्ट आया है तब से उनके घर पर मीडिया पर्सनालिटीज की भीड़ लग गई है। फोन्स की रिंग बजे ही जा रही है, बधाइयों का तांता लग चुका है। मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स भी सभी इशिता को बधाई दे रहे हैं। जब इशिता से उनकी सफलता का राज पूछा गया तब उन्होंने सबसे पहले अपनी फैमिली, टीचर्स के साथ साथ फ्रेंड्स को भी थैंक यू कहा, जो इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहे। जब भी उनका मूड डिस्ट्रैक्ट होता था, वो थोड़ा परेशान हो जाती थी, तब वो म्यूजिक सुनना पसंद करती थी, अपनी हॉबीज को फॉलो किया करती थी और मूड फ्रेश होने के बाद फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई में लग जाती थी। इशिता आगे बताती हैं कि जब उनको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लगातार असफलता मिल रही थी, तब उन्होंने हार न मानते हुए अपने आप को ही अपना कंपटीशन बना लिया, यानी कि प्रतिद्वंदी। अब उनकी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही थी, और वो लगातार मेहनत करती गई, जिसका परिणाम आज आप सभी लोगों के सामने है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से इशिता ने लगातार असफलताओं के बाद भी हार बिल्कुल नहीं मानी। किसी ने सही कहा था, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव बीन अकम्प्लिश्ड बाय द पीपल हु हैव केप्ट ऑन ट्राइंग व्हेन देयर सीम टू बी नो होप एट ऑल। और जब इशिता को भी सारे रास्ते बंद होते नजर आए, तभी उन्होंने मेहनत कर वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना आज देश का हर बच्चा देखता है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। इशिता की इस प्रेरणादायक कहानी से हम एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम कोई आसान एग्जाम नहीं है। ये विश्व की सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक है, जहां हर साल लगभग 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे फॉर्म्स भरते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 700 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। आज इतना कॉम्पिटिशन है कि हम खुद पर ही डाउट करने लग जाते हैं, हमें संदेह होता है कि हम ये एग्जाम निकाल भी पाएंगे या नहीं। दोस्तों, ये डाउट, ये इनसिक्योरिटी इशिता के सामने भी आई, उनके मन में भी थी, पर बजाय उस इनसिक्योरिटी से घबराने के उन्होंने इसको कॉम्पिटिटर बना लिया। इशिता सिर्फ पढ़ती रही, लगातार मेहनत करती रही और उस लक्ष्य को हासिल कर लिया जो एक समय पर नामुमकिन लग रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इशिता किशोर की सक्सेस स्टोरी को सुनकर आप भी मोटिवेट हुए होंगे और आज से ही पहले से ज्यादा सीरियसनेस से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। डोंट टॉक, जस्ट एक्ट, डोंट से, जस्ट शो, डोंट प्रॉमिस, जस्ट प्रूव, क्योंकि ये एग्जाम आपकी कंसिस्टेंसी मांगता है, आपका डिसिप्लिन मांगता है, आपकी पंक्चुअलिटी मांगता है। इशिता की ये कहानी हमें एक मैसेज देती है, एक सीख देती है, बुलंद हौसला और सच्ची लगन अक्सर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसा लगा। और ऐसे ही टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियोस की अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना कर पाएं। जय हिंद।